कांग्रेस को छोड़ो, तुम कांग्रेस का भारत जोड़ो, ये भाई साहब पाकिस्तान चली जाएगी एक दिन, ये पार्टी ये इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर होगा। एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अरे कुछ नहीं, वो हिंदू विरोधी है, वो खुद साफ हो जाएंगे भैया। ये एलियन की प्रजाति का है। अरे यार तू कहता क्या है, ये बोतल है इसमें पानी होता है भैया, ये बोतल में पानी होता है, इसमें आटा लीटर के हिसाब से लोगे भाई साहब आप? नहीं भाई, दे देंगे। कह रहा आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से, पेट्रोल मीटर के हिसाब से 5 मीटर पेट्रोल दे दो उसको प्रधानमंत्री बनाओगे। चाइना वालों से भारत की आर्मी की तुलना करके बता रहा है, पिट गए राहुल गांधी। ये देखो आवाज सुनो, तुम्हारी तो किलस गई होगी, तुम भी बोल दो हम तुम्हें वोट, एक आध बंदे को वोट दे देंगे, मगर ये लोग बोलते काहे नहीं है राम राम, मालूम काहे नहीं बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं राम जो है वो बीजेपी वालों का है, पागल हो गए हो क्या? हैं? राहुल गांधी से गुजरात में आरती करने का? आरती करने थे थोड़ी। अरे तो ऐसे ऐसे आरती कर रहा था वो राहुल गांधी, ये कौन सा आरती होता भाई साहब? क्या लग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी नए अवतार में आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसे कहते हैं 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अवतार तो भगवान लेते हैं, वो इंसान है। वाह, अवतार भगवान लेते हैं, वो इंसान है तो अवतार नहीं। हाँ ये जरूर है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद वो चरस ज्यादा फूंकने लग गए हैं। यूपीए 2 में हमने देखा कि घोटाले कितने हो रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों के घोटाले हुए यूपीए 2nd की सरकार में देखा। फिर आई हमारी एनडीए सरकार, एनडीए सरकार ने पहले सरकार में ये सुनने मिल रहा था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे कैसे, आज एनडीए 2 सरकार में हमने ये देखा है कि भ्रष्टाचारी पकड़े कैसे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए निकाले कैसे जाते हैं। कह रही है राहुल जी है नए अवतार में आ रहे हैं और मोदी जी का सुपड़ा साफ कर देंगे 24 में। ऐसा बोलने वाले बोलते रहते हैं, ये देश में बोलने की आजादी है, सब बोलेंगे, कांग्रेस वाले को बोलने की आजादी है, ये देश का कल संविधान उनको बोलने की आजादी दे रहा है, वो बोले। बोलने का मतलब ये नहीं कांग्रेस वालों ने बोल दिया सत्य हो गया, क्या उनके बोलने से कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी राम से? आप तो ये बात कर रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी जी को राम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है वो उनकी सोच है, हम उसके ऊपर क्या टिप्पणी करें, करने दीजिए वो करने दीजिए, लोग जो बोलते हैं। नहीं नहीं, और धर्म से कर देता अगले दिन फतवा जारी हो जाता, देवबंद का मौलाना जो है अपना कुर्ता फाड़ लेता। अबे भाई एक बात बताओ, हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, तुम लोग पत्रकार मेरे को छेड़ देते हो, मैं तुम्हारा किसी दिन कैमरा ही फोड़ दूंगा। ना छेड़ो हिंदुओं को हम सताए हुए हैं, हमारे भगवान देवी देवताओं के बारे में कुछ बोलो मत, और बोलोगे कांग्रेस को छोड़ो, तुम कांग्रेस का भारत जोड़ो, ये भाई साहब पाकिस्तान चली जाएगी एक दिन, ये पार्टी ये इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि इनका पाकिस्तान मोह है। और ये चाइना वालों के साथ, ये चाइना वालों के साथ, अरे रुक जाओ, ये चाइना, अरे रुको ना, ये चाइना वालों के साथ इनकी बहुत अच्छी सांठ गांठ है। अब भारत में तो इतना कोविड नहीं है, चौड़े होके घूम रहे लोग बिना मास्क के, इनको चाइना भिजवा दो, सुनो इनको चाइना भिजवा दो, वो डब्बा होता है ना डब्बा, हम लोग डब्बे में नहीं डालते आदमी को मरने के बाद, इन लोग को डब्बे में पैक कर देंगे, अब पैक करके वहाँ पे बोले क्या कह देंगे, बोले कौन मरा है, इन चांचू, बोले कौन, बोले इन चांचू, क्योंकि भैया हमें तो नाम भी ना समझ में आता है, ना हमें ये डेढ़ फुटिया समझ में आते हैं। ये चाइना वालों से भारत की आर्मी की तुलना करके बता रहा है, पिट गए राहुल गांधी। ये देखो आवाज सुनो, तुम्हारी तो किलस गई होगी, तुम भी बोल दो हम तुम्हें वोट, एक आध बंदे को वोट दे देंगे, मगर ये लोग बोलते काहे नहीं है राम राम, मालूम काहे नहीं बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं राम जो है वो बीजेपी वालों का है, पागल हो गए हो क्या? हैं? राहुल गांधी से गुजरात में आरती करने थे, आरती करने थे। अरे तो ऐसे ऐसे आरती कर रहा था वो राहुल गांधी, ये कौन सा आरती होता भाई साहब? कौन सा अवतार में आए? वो देखा तुमने वो जो ऊपर से, अरे रुको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सबर भी रखो, कहाँ से ट्रेनिंग लेते हो ये, बोले तो दिया करो। वो ऊपर से पीके मूवी से वो गोल घूमने वाली मशीन से उतरा था ना आमिर खान, वो गोला से ये अवतार लेकर आया है। एलियन सुना, एलियन एलियन भी देख के कहता है, अरे इसको राहुल गांधी को देख, अरे अरे 360 घूमता हूँ मैं, इनकी सरकार ने 70 साल हमारा देश घुमाया, डिस्टर्ब मत करो भाई साहब, अगर इंटरव्यू लेना है तो प्रोटोकॉल मेंटेन करो, 70 साल से देश में कांग्रेस ने भी प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करा, जहाँ तहाँ लोग थूकते थे, आज जगह जगह देखिए डस्टबिन बन गई है, और ये वही गोला से आया जहाँ से एलियन आते हैं, और एलियन भी देख के कहता है टू 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 टू, ये एलियन की प्रजाति का है। अरे यार तू कहता क्या है, ये बोतल है इसमें पानी होता है भैया, ये बोतल में पानी होता है, इसमें आटा लीटर के हिसाब से लोगे भाई साहब आप? नहीं भाई, दे देंगे। कह रहा आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से, पेट्रोल मीटर के हिसाब से 5 मीटर पेट्रोल दे दो उसको प्रधानमंत्री बनाओगे। भैया उसकी गलती नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ,
उसको एक बढ़िया 5-स्टार होटल खोल के दे दो और वहाँ स्पा पार्लर खोल दो। आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी जी भाई जब राहुल गांधी के बारे में बुराई करते हो तो नया अवतार, नया अवतार, ये नई पैकिंग में प्रोडक्ट पुराना रख रहे हैं, ठीक है ना। जब खुलेगा ना तो वही पुराना ही दिखेगा, पप्पू का पप्पू ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आज मैं आपसे पूछूंगा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, मैं इसको भारत जोड़ो एक बार नौटंकी यात्रा कहा था, अब मैं बोलूँगा राहुल का फेस चमकाओ यात्रा है ये, सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ने की बात होती। आज इनविटेशन किसको दे रहे हैं पता है, वहाँ महबूबा मुफ्ती को दिया, सुना आपने, वो महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि अगर 370 के साथ खिलवाड़ हुई तो वहाँ ना बारूद का ढेर नहीं कहा था उन्होंने, तिरंगे को, तिरंगे के झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, ये किसको, किसने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने। दूसरा इनविटेशन किसको जा रहा है, अब धीरे धीरे जा रही है ना, अब जो शांत है ना कश्मीर, जो पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब उसको डिस्टर्ब करना है, उसके लिए पूरा प्रोग्राम बना लिया है, भारत जोड़ने के बजाय भारत तोड़ने की पूरी इनकी स्कीम बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में जाकर अभी असली, वहाँ इनका असली चेहरा आएगा, सेना के ऊपर आ गया, सेना के ऊपर इनका बयान आ गया। आपका अगर कोई सिख रेजिमेंट में, बिहार रेजिमेंट में कोई आदमी है, कोई अपना भाई बंधु कोई भी है, वो आपको बोलेगा हम चाइनीज़ को पीट कर आए हैं, मगर जब उनके घरवाले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं वो बड़े फिक्र से फ़ोन कर रहे हैं उनको कि भाई तुझे लगी तो नहीं, बोलता क्यों हम तो पीट कर आए हैं, कहते नहीं राहुल गांधी बोल रहा है तुम पीट कर आए हो, यही चीज़ है। आप किसकी सुनोगी, अपने भाइयों की सुनोगे जो वहाँ सेना पर तैनात है उनकी सुनोगे, या इन झूठों की सुखे जो थूक कर चाटते हैं, चौकीदार चोर है बोला था, बाद में माफ़ी मांगी, उसके बाद रफेल डील पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, माफ़ी मांगी, ये मांगी ना, ये थूक कर चाटने वाले हैं हम इनकी सुनेंगे, अपने जवानों की सुनेंगे, इनकी तो कोई माफ़ी मांगने की नीति नहीं है, तो खाली झूठे आरोप लगाकर कुछ वोट, चंद वोट से ये राजनीति करना सीखते हैं। पहले पब्लिक हमारी शिक्षित नहीं थी, इसलिए पब्लिक के बीच में इन्होंने इतने साल राज किया, झूठी राजनीति फैलाकर इन्होंने राज किया कांग्रेस ने। आज पब्लिक पढ़ लिख चुकी है, पब्लिक को अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन राजनेता हमारा है और कौन राजनेता हमारा भारत देश का दुश्मन है, ये पब्लिक अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए पब्लिक को अच्छी तरह से पता है, इसलिए बार बार हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी जीत रही है और हमें बड़ी खुशी है कि बीजेपी जीत रही है। राहुल गांधी तो कह रहे 24 में हम वापसी कर रहे हैं, वो 19 में भी बोल रहे हैं, वो जो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं वो दाढ़ी कटवाते हुए नजर आएंगे 24 के बाद। अभी छुट्टियां मनाने पे विदेश गए हैं कि नहीं गए ये तो पता नहीं है, वो हमेशा विदेश जो जाते हैं हमेशा थोड़ा घूमने के लिए, वो 24 के बाद परमानेंट छुट्टी पे जाएंगे, ये हमारी भारत देश की जनता उनको दिखाएगी कि 2024 के बाद वो परमानेंट भारत से इटली चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी नए अवतार में आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसे कहते 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अवतार तो भगवान लेते हैं, वो इंसान है, वाह, अवतार भगवान लेते हैं वो इंसान है, तो अवतार नहीं, हाँ ये जरूर है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद वो चरस ज़्यादा फूंकने लग गए हैं, ठीक है, हकीकत बात ये कि वो चरस ज़्यादा फूंकने लग गया है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी, उसको करना क्या है। यूपी में जाने की बारी आती है तो उसको राम याद आ जाता है, अगर उसको राम इतने याद थे, राम इतने प्रिय थे, तो क्यों नहीं जब वो केरल में थे तो उन्हें राम याद आया, एक बार वो केरल में अपने कांग्रेस के ऑफिस में खड़ी होके एक बार जय श्री राम बोल के बता दे, मैं उन्हें मान जाऊंगा, क्यों नहीं बोलते वो सबके सामने आके जय श्री राम वो क्यों नहीं बोलते। मुझे तो ये बताया जाए जब हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई मंदिर कमेटी, हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदिर कमेटी के विपक्ष में केवल और केवल आपके कांग्रेस के ही नेता क्यों कल विपक्ष का साथ देने के लिए आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें सबसे पहले ये बताइए, कोई और देश के राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, कोई राह और देश के राजनीति के सांसद जो खुद अपने आप में वकील हैं, वो मंदिर कमेटी के विरुद्ध क्यों जाके खड़े हो जाते हैं, क्यों कांग्रेस के लोग जाके मंदिर कमेटी के विरुद्ध जाके खड़े हो गए, ये तो पूरा भारत देश ने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जब लड़ाई हो रही थी, काशी विश्वनाथ जी के कदम मंदिर के ट्रस्ट की जब कोर्ट में केस वेस चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के ही अपोजिशन में क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में हमेशा हिंदू विरोधी चले जाते हैं लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि ये सब कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस सब हिंदू विरोधी हैं, सब ये देश विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम, मैंने जब से होश संभाला मैंने दो ही कार्यकाल देखे हैं,
एक यूपीए 1 का, यूपीए 2 के साथ में, जो कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल माननीय मनमोहन साहब जो कभी कुछ बोलते नहीं थे, और आज हमारे प्रधानमंत्री है जो चुप नहीं रहते, बरोबर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और हर एक को देते हैं, विदेशी को देते हैं, देश के भीतर गद्दारों को देते हैं, बाहर देश बाहर घुस के जो हमारे पाकिस्तान में वहाँ घुस के मारते हैं हमारे, ये हमारे प्रधानमंत्री भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बरोबर का जवाब देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अरे कुछ नहीं, वो हिंदू विरोधी हैं, वो खुद साफ हो जाएंगे भैया। हाँ हाँ, कांग्रेस तो कह रही नहीं, कांग्रेस खाली देश को लूटी है बस, और कुछ नहीं किया है। थैंक यू भैया। तो आप तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं यहाँ विराम लेते हुए इतना कहने जा रहा हूँ कि कांग्रेस को जो भारत देश की एक एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का जो दर्जा दिया गया है, मुझे लगता है कि उनकी जिस तरह से जमानत जब्त होती जा रही है, आने वाले समय में उनका जो वोट बैंक कम होते जा रहा है, कहीं उनके पास से उनका राजनीतिक पार्टी होने का, जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा ना छिन जाए, मुझे उस चीज़ का डर बड़ा सता रहा है। और मुझे खुशी होगी कि अगर ये काम हो जाएगा भारत देश में, यात्रा से वाक्य में कोई फर्क पड़ने वाला है? कैसी जोड़ो यात्रा? कौन कहता है जोड़ो यात्रा? ये तोड़ रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकल कर हमारे चाइना और इंडिया के आर्मी के बारे में कह रहे हैं। ये ऐसे 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 अभद्र टिप्पणी जब करेंगे हमारे भारत देश के वीर सैनिकों के ऊपर, कौन सहन करेगा? इसलिए इनकी टिप्पणी इनको लेकर डूब रही है, इनकी सोच जो आज इनकी बोलियों में आ रही है, ये इनको वोटों के जो रिजल्ट इनको मिल रहे हैं, उस रिजल्ट में इनको मालूम पड़ रहा है कि भारत देश अब शिक्षित हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, एकजुट हो चुका है, और उनको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि उनका सुपड़ा साफ खुद का होने वाला है। ये जो बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बोलने दो इनको, सुपड़ा उनका खुद का साफ होने वाला है।